हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आपका टॉपिक व्यवसाय के उद्देश्य चल रहा था। व्यवसाय के उद्देश्य में मैंने आपको कराया था आर्थिक उद्देश्य और मैंने सामाजिक उद्देश्य आपको दोनों करा दिए हैं। आज आपका उद्देश्य है मानवीय उद्देश्य, यानी मानव के प्रति जो व्यवसाय है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में मैंने बताया था व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य होते हैं वो कुछ इस प्रकार रहते हुए मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था रोजगार सृजन करना, जो व्यवसाय है समाज के अंदर होता है तो उनको रोजगार का मतलब है जो वहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं, जो उस समाज से लोग जुड़े हुए हैं, जो समाज के सदस्य हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना। उसके बाद मैंने आपको बताया था उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण एवं पूर्ति, यानी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, यदि ग्राहक को टेलीविज़न या कंप्यूटर बेचा जाता है तो वह एक अच्छी किस्म का होना चाहिए, यानी जो समाज में लोग रह रहे हैं उनको एक अच्छी किस्म की वस्तु देनी। तीसरा मैंने आपको बताया था कर्मचारियों के हितों का ध्यान, जो व्यवसाय में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी व्यवसाय में जो काम कर रहे हैं वो उसी समाज के होंगे, उनके हितों के लिए कार्य करना। चौथा मैंने आपको बताया था प्रबंध निष्पादन एवं विकास, यानी जो समाज के नियम कानून हैं उसके अनुसार चलना। उसके बाद मैंने बताया था गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण का निवारण। गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण का निवारण से मतलब है, आपको पता ही है अगर औद्योगिकरण, यानी जहाँ पे भी उद्योग हो रहे हैं वहाँ पे प्रदूषण ज़रूर होता है, और वहाँ का जो पानी है, जो पेयजल है, साफ़ सफाई आदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो श्रमिक परिवार के लोग वहाँ पे शिकार होने लगते हैं उनके लिए कार्य करना, उनके लिए उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए उनके लिए कार्य करना, पीने के लिए अच्छा जल देना, ये सब क्या है, एक सामाजिक उद्देश्य है किसी भी व्यवसाय के। आज आपका टॉपिक है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य में आज हम बात करते हैं, जैसा लिखा हुआ है, आधुनिक युग में व्यवसाय के सभी कार्य व्यवसाय नहीं कर सकता। आपको पता ही है व्यवसाय का हर कार्य व्यवसाय ही नहीं कर सकता, यानी जैसे मैंने आपको बताया था टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अपने मैनेजमेंट का, यानी टॉप स्तर वाले टॉप स्तर का काम करेंगे, मिडिल वाले जो हैं मिडिल वाला करेंगे, और जो सुपरवाइजरी यानी जो नीचे वाले लोग हैं जो अपने डिपार्टमेंट के हैं वो सभी अलग अलग कार्य करेंगे। सभी का अलग अलग कार्य होता है, सभी कार्य एक व्यवसाय ही नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने की वो कोशिश भी करेगा तो वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। इसमें दूसरों से कार्य करवाना पड़ता है, यानी आपको पता ही है किसी भी व्यवसाय को कर रहे हो तो उसमें जो अदर एम्प्लॉय हैं उनका वो कार्य करवाना ही पड़ता है उनसे, अर्थात कर्मचारियों एवं श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ता है। जो कर्मचारी हैं, जो वो समाज में लोग रह रहे हैं उन्हीं में से श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ता है, तथा अन्य व्यक्तियों से पूंजी प्राप्त करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है, कभी कभी लोगों से पूंजी यानी कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ती है। पूंजी का मतलब है एक स्वामी द्वारा लगाया गया पैसा या धन को ही हम पूंजी कहते हैं। तो कभी कभी व्यक्तियों से पूंजी प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय में काम आने वाली मशीनों एवं कच्चे माल के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी सभी मशीनों को एक व्यवसायी यानी जो मालिक है कंपनी का वो ही नहीं कर सकता। उसमें जो व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति मशीनों पर काम करते हैं, कच्चे माल के लिए कुछ व्यक्ति काम करते हैं, उन सभी पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सभी मानवीय उद्देश्यों का निर्धारण व्यावसायिक संगठन के द्वारा होता है। जो मानवीय उद्देश्य हैं इनका जो निर्धारण है व्यावसायिक संगठन होता है, वो उसके द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? क्योंकि जो कोई भी, आपको भी पता है, कोई भी एक प्रबंधक यानी व्यवसायी सभी कार्य को नहीं कर सकता है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को बांटा हुआ होता है, उसके अनुसार कार्य कराया जाता है। जैसे मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल बताया, जैसे टॉप मैनेजमेंट में डायरेक्टर या प्रिंसिपल सर आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो मिडिल मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में टीचर बटे हुए होते हैं, जैसे साइंस डिपार्टमेंट है और कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग हेड बना दिए जाते हैं, वो क्या है, एक मिडिल मैनेजमेंट है। उनको अलग अलग कार्य दे दिए जाते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट है उनका कार्य अलग होता है, जो मिडिल मैनेजमेंट है उनका कार्य अलग होता है, जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है उनका कार्य अलग होता है। तो उसी प्रकार एक कार्य को एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको सभी विभागों में बांट दिया जाता है, जिससे
किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए, मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवसाय को निम्न कार्य करने चाहिए, यानी जो व्यवसायी, जो कर्मचारी, जो श्रमिक उस व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, उनके मानवीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो व्यवसाय करता है वो निम्न कार्य इस प्रकार है, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहला है कर्मचारियों व श्रमिकों को उचित वेतन व सुरक्षा प्रदान करनी, यानी जो कर्मचारी किसी व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं उनको उचित वेतन देना चाहिए। यानी अगर कोई कार्य 10,000 रुपये का है तो 10,000 ही देने चाहिए, ये ना हो कि कार्य तो 10,000 का करा रहे हो और उन्हें जो वेतन है, जो सैलरी है, वो 5,000 रुपये दे रहे हो, जिस उससे श्रमिक का मन टूटेगा और वो अच्छे से कार्य भी नहीं कर पाएगा। और उन्हें जिस जो कार्य कर रहे हो उसके प्रति सुरक्षा भी देनी चाहिए, ऐसा ना हो किसी ऐसी मशीन पर खड़ा कर दियो जिससे वो असुरक्षित हो सके या उस किसी दुर्घटना के कारण दुर्घटना हो सके। तो कर्मचारी व श्रमिकों को उचित वेतन व सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है उसे उचित वेतन व सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा है श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा है उसका भी प्रयास करना चाहिए, यह भी एक मानवीय उद्देश्य व्यवसाय का होता है। आगे है श्रम समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कर्मचारी का विकास करना चाहिए, श्रम समस्याएं हैं उनको पर्याप्त ध्यान में देते हुए कर्मचारी का विकास भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति 5 साल या 10 साल एक ही कार्य को करता रहे या एक ही लेवल पर कार्य करता रहे, उसका प्रमोशन यानी पदोन्नति भी होती रहनी चाहिए और उसकी सैलरी भी यानी उनका जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। उसके बाद है कर्मचारियों व श्रमिकों को अच्छी कार्य दशाएँ, यानी जो कर्मचारी और जो श्रमिक किसी फैक्ट्री, उद्योग या व्यवसाय में जो कार्य कर रहे हैं उनको कार्य की दशाएँ ठीक होनी चाहिए, अच्छी कार्य दशाएँ होनी चाहिए तथा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, वहाँ पर वातावरण अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं। तो मैंने आपको आज मानवीय उद्देश्य करा दिए, आपका एक और रह गया है इसमें राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपको 3 उद्देश्य करा दिए हैं, पहला मैंने आपको बताया आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य में मैंने आपको बताया था लाभ, मैंने उसके जो आर्थिक उद्देश्य व्यवसाय के क्या क्या होते हैं, पहला बताया था मैंने लाभ अर्जित करना, यानी किसी भी व्यवसाय का जो आर्थिक उद्देश्य होता है सबसे पहला उद्देश्य जो होता है लाभ अर्जित करना होता है। उसके बाद मैंने बताया ग्राहकों का सृजन, यानी अधिक से अधिक कोई भी व्यापारी चाहता अधिक से अधिक व्यापार में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो तथा उत्पादन की बिक्री अधिक हो और लाभ भी अधिक हो, ये भी एक आर्थिक उद्देश्य होता है। उसके बाद मैंने बताया नवाचार, यानी नए नए विचारों के साथ कार्य करना। उसके बाद माल का उत्पादन, ये सब क्या बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में, मैंने आपको करा दिया है आर्थिक उद्देश्य थे। उसके बाद मैंने आपको बताया सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य में मैंने आपको बताया सबसे पहले बताया था व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं, रोजगार सृजन करना, यानी वहाँ पर जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए रोजगार देना। उसके बाद मैंने बताया उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण एवं पूर्ति, यानी जो वस्तुएं हैं अच्छी किस्म की हों और उनकी जो वस्तुओं का जो निर्माण है उपयुक्त हो एवं पूर्ति भी हो, ये सब मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कर्मचारियों के हितों का ध्यान, तो ये भी सामाजिक उद्देश्य बताया था, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। फिर प्रबंध निष्पादन एवं विकास, गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण का निवारण, यानी जो गंदी बस्ती हैं तथा प्रदूषण जो वहाँ पे है उसके प्रति भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों का बीमार होने के अधिक चांस होते हैं, इसलिए उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक सामाजिक उद्देश्य होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है मानवीय उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य में मैंने आपको करा दिया है, मानवीय उद्देश्य में मैंने बताया मानवीय उद्देश्य व्यवसाय के क्या क्या हो सकते हैं, पहला है कर्मचारियों एवं श्रमिकों को उचित वेतन व सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक बात है। उसके बाद श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए, श्रम समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कर्मचारी का विकास करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया है कर्मचारियों व श्रमिकों को अच्छी कार्य दशाएं तथा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ये मानवीय उद्देश्य हैं, मानवीय उद्देश्य मैंने आपको करा दिए हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।